यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो चलिए खबरों का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने आज कॉलेजियम की बैठक बुलाई है और बताया जा रहा है कि इस बैठक में पदोन्नति के लिए जस्टिस के एम जोसेफ के नाम पर पुनर्विचार के साथ साथ हाईकोर्ट के अन्य जजों के नाम पर भी चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले न्यायमूर्ति जोसेफ को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत करने की सिफारिश कॉलेजियम के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज दी थी। हालांकि इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन खबर है कि कॉलेजियम में शामिल 5 न्यायाधीशों के सहमत होने पर बैठक किसी भी वक्त हो सकती है। साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सर्वाधिक वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर ने न्यायमूर्ति जोसेफ का नाम केंद्र के पास अविलंब भेजने के लिए मुख्य न्यायाधीश को खत भी लिखा था और पत्र के माध्यम से कॉलेजियम की बैठक बुलाने का अनुरोध भी किया था। हालांकि इससे पहले 26 अप्रैल न्यायमूर्ति के एम जोसेफ को पदोन्नत करने की सिफारिश पुनर्विचार के लिए लौटा दी गई थी।